Hello everyone, good morning everyone, good afternoon वैसे तो good afternoon हो गया है. So hello, आज आपका plant physiology का discussion है, right? तो plant physiology के discussion के लिए तैयार हो जाइए. देखिए किस तरह के question पूछे जा सकते हैं, बड़े छोटे छोटे से सवाल हैं और आपका exam होने वाला है ना. तो किस तरह के question पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि किस तरह के सवाल आने की संभावना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि व्हेन स्टोमेटा ओपन द पीएच ऑफ गार्ड सेल. जब स्टोमेटा ओपन होता है तो गार्ड सेल के पीएच में क्या चेंज आता है. तो आप जानते हैं कि गार्ड सेल के पीएच में डिक्रीज आता है. डिक्रीज आएगा या इंक्रीज आएगा? इंक्रीज आएगा, डिक्रीज नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि गार्ड सेल से बाहर की तरफ प्रोटॉन को पंप किया जाने लग जाता है. यहां पर प्रोटॉन वाले एटीपीएज हैं, एटीपी को खर्च करके प्रोटॉन को बाहर भेजा जाता है. यानी गार्ड सेल के खुद के अंदर प्रोटॉन की कमी होना शुरू हो जाती है और प्रोटॉन की अगर कमी होना शुरू हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि पीएच इंक्रीज हो जाएगा. प्रोटॉन की कमी से पीएच इंक्रीज हो जाएगा. तो पहला आंसर इसका सही होगा, है ना. नेक्स्ट है वाटर लॉस्ट इन गट्टेशन. गट्टेशन में कैसा वाटर लॉस होता है, प्योर वाटर लॉस होता है या इम्प्योर वाटर लॉस होता है? कमेंट करके जरा बताइए कि कैसा वाटर लॉस होता है, प्योर या इम्प्योर वाटर लॉस होता है. अब गट्टेशन तो आप जानते ही हो कि वाटर लॉस होगा, बाकी ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता. आप मुझे बताइए कि इनमें से क्या आंसर सही होगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर सही होना चाहिए. गट्टेशन में कौन सा वाटर लॉस होगा, प्योर या इम्प्योर, जल्दी बताइए. कैसा वाटर लॉस होना चाहिए गट्टेशन में? कमेंट करिए, आपके कमेंट का इंतजार है. ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या आपके कमेंट आए हैं. बी, लोग कह रहे हैं इम्प्योर वाटर. सही जवाब है इम्प्योर वाटर होता है. देखिए गट्टेशन जो है रात के समय में होने वाली एक प्रोसेस है. जो ज्यादातर गट्टेशन प्लांट के जो लीव्स होती हैं या जो टिप्स होते हैं शूट के, वहां से होना शुरू होता है. तो वाटर लॉस होता है और वो भी इम्प्योर वाटर होता है. तो एकदम सही आपने आंसर किया है, बिल्कुल सही आंसर है. इसके अलावा नेक्स्ट अगर देखें, व्हाट विल हैपन इफ द प्लांट सेल आर प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. प्लांट सेल को अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर दिया तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि प्लांट सेल को ऐसे किसी सॉल्यूशन में प्लेस किया गया है जहां पर बाहर की तरफ सॉल्यूट ज्यादा है. ठीक है, बाहर की तरफ सॉल्यूट ज्यादा है. और प्लांट सेल के बारे में एक खास बात और है कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल तो होती ही है, राइट. अगर बाहर की तरफ सॉल्यूट ज्यादा है, टोनिसिटी ज्यादा है, तो यहां से एक्सोस्मोसिस हो जाएगा, वाटर बाहर निकलेगा, क्योंकि वाटर तो वहीं जाएगा जहां सॉल्यूट ज्यादा है. तो वाटर उधर की तरफ मूव करेगा जिसके कारण प्लांट सेल श्रिंक हो जाएगी. पर यहां श्रिंक शब्द इस्तेमाल नहीं करते, यहां पर प्लाज्मोलाइज्ड कह देंगे कि प्लांट सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी. तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी. ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस बिल्कुल सही जवाब है. अब यहां पर कह रहे हैं कि जो वाटर टिप से, लीव की टिप से जो लॉस होता है, उस वाटर लॉस को क्या कहा जाता है, किस प्रक्रिया के अंतर्गत लीव की पत्तियों की टिप से वाटर लॉस होता है. तो आंसर इसका भी एग्जैक्टली गट्टेशन ही होगा. थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे गट्टेशन के बारे में. तो ये जो गट्टेशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन है, इनके इन टर्म्स में छोटे छोटे से जो अंतर होते हैं वो ध्यान होना चाहिए.
रूट प्रेशर को किससे मेजर किया जाता है? अब देखो यहां पर डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं, पोटोमीटर, ऑक्सोमीटर, ऑस्मोमीटर, ऑक्सेनोमीटर, ऑस्मोमीटर, मैनोमीटर। तो ये डिफरेंट टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ये क्या काम करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। कि जैसे अब जैसे इसका पहले आंसर दीजिए कि सही आंसर इसका क्या होना चाहिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं आगे, ठीक है। यहां पर सही आंसर है एग्जैक्टली मैनोमीटर, मैनोमीटर ही इसका सही आंसर है। पोटोमीटर क्या होता है? पोटोमीटर तो किसी जो लीफी शूट्स होते हैं वह किस रेट से वाटर का अपटेक कर रहे हैं, वाटर अपटेक को चेक करता है पोटोमीटर। ये रेट ऑफ वाटर अपटेक, रेट ऑफ वाटर अपटेक फ्रॉम लीफी शूट्स, ऐसा मान सकते हैं, ये चेक करता है पोटोमीटर। ऑक्सेनोमीटर क्या होता है? ये ऑक्सेनोमीटर ऑक्सिन के कारण हुई ग्रोथ को, यानी कुल मिलाकर के ऑक्सिन के, जब ऑक्सिन प्लांट पर अप्लाई करके देखा जा रहा था कि उसका क्या इफेक्ट होता है, उस समय प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था, तब से इसको ऑक्सेनोमीटर कहा जाने लग गया। सो मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ को या प्लांट के जो ऑर्गन्स हैं या लीफ की लेंथ को मेजर करने के लिए या शूट की लेंथ को मेजर करने के लिए ऑक्सेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और ऑस्मोमीटर तो नाम से ही साफ है, ऑस्मोलैरिटी को चेक कर रहा है ऑस्मोमीटर, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी को चेक कर रहा है। सही आंसर इसका होगा मैनोमीटर, जो रूट प्रेशर को चेक करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के रेट को चेक कौन करता है, किससे चेक होता है? तो रेट ऑफ वाटर लॉस, अब इसका इसका मीटर तो इसका तो वही हो गया, पोरोमीटर तो पोरोसिटी को चेक करता है, एल्टीमीटर का मतलब एल्टीट्यूड से है, सी लेवल से कितनी ऊंचाई है इसको चेक करना है, तो एल्टीमीटर काम में आता है। पोटोमीटर सॉरी पोटोमीटर इज द राइट आंसर। लक्स मीटर तो लाइट की इंटेंसिटी को चेक करता है, तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? सी, एग्जैक्टली सी वुड बी द राइट आंसर। लक्स मीटर तो लाइट की इंटेंसिटी को चेक करने के लिए है। अगला सवाल कि लीव्स ऑफ नीलंबो प्लांट्स, नीलंबो जो प्लांट्स है, नीलंबो का मतलब नीलंबो न्यूसीफेरा, आप जानते होंगे है ना, कमल के फूल को कहा जाता है नीलंबो न्यूसीफेरा। तो इनकी पत्तियां कैसी होती हैं? एपिस्टोमेटिक होंगी, हाइपोस्टोमेटिक होंगी, एम्फीस्टोमेटिक होंगी, या इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर सही होना चाहिए? छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा आंसर होगा इसका, है ना। पत्तियों पर स्टोमेटा की लोकेशन किस बात पर डिपेंड करती है? पत्तियों पर स्टोमेटा की लोकेशन किस बात पर डिपेंड करती है? इस बात पर कि स्टोमेटा से आप जानते हो ट्रांसपिरेशन के दौरान वाटर लॉस होता है, तो अगर स्टोमेटा को ओपन रखेंगे तो वाटर लॉस होगा, और स्टोमेटा को ओपन रखेंगे और अगर सरफेस पर स्टोमेटा हुआ तो कुछ ज्यादा ही वाटर लॉस होगा। कौन से ऐसे प्लांट्स होंगे जिनको ये रिस्क उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि कोई बात नहीं, रख दो मेरे सरफेस पर, लीफ पर रख दो, एकदम ऊपर वाले सरफेस पर रख दो स्टोमेटा, मुझे कोई डर नहीं है वाटर लॉस का। कौन ऐसा ऐसा खतरा कौन उठा पाएगा, कौन उठा पाएगा जो खुद ही पानी में रह रहा है? तो नीलंबो न्यूसीफेरा प्लांट, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी खूब ज्यादा है तो पानी उड़ जाए कोई तकलीफ नहीं है, एपिस्टोमेटिक इसके स्टोमेटा होंगे। डरते तो वो हैं, वो अपने स्टोमेटा को नीचे पत्तियों में छुपा कर रखते हैं जिनको डर है कि कहीं पानी उड़ गया तो हम क्या करेंगे, तो हाइपोस्टोमेटिक होते हैं उनके स्टोमेटा। और कुछ तो इतने डरपोक होते हैं कि दिन में स्टोमेटा जानबूझकर के खोलते ही नहीं प्लांट, कुछ तो इतने डरपोक होते हैं कि वो रात में स्टोमेटा ओपन करते हैं, ऐसे प्लांट्स को भी तो आप जानते होंगे। सुनीता जी मैं जोधपुर में हूं, हाँ, तो नीलंबो का प्लांट कैसा है? एपिस्टोमेटिक है।
अच्छा अच्छा हाँ, इसीलिए तो मैं वापस विजिबल हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर ये जो सवाल है ये थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि इस तरह के सवाल अगर आ जाएं, इसमें क्या है, इसमें फॉर्मूला लगेगा पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा आई सी आर टी। गैस टेम्परेचर कॉन्स्टेंट की वैल्यू दे रखी है, तो कंसेंट्रेशन 0.1 मोलार सॉल्यूशन है, और आई का मतलब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाएं तो ये क्वेश्चन मेरी तरफ से तो अधूरा लग रहा है ना। और ये प्रेशर की यूनिट है, बार जो है वो प्रेशर की यूनिट है। इस सवाल को मैं स्किप करूंगा, क्योंकि मैं लेकर के तो आया था लेकिन पता चला कि ये क्वेश्चन जो है वह अधूरा है, क्योंकि ना तो आई के बारे में कुछ बता रखा है, ना तो आर के बारे में कुछ बता रखा है, ना तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट के बारे में, ना गैस टेम्परेचर कॉन्स्टेंट की भी वैल्यू नहीं बता रखी है। या तो आप अपने मन से स्टैंडर्ड सोच लो, और कंसेंट्रेशन बता रखी है बस, आई की वैल्यू भी नहीं दे रखी है। यानी सॉल्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन, अगर कभी आपको वाटर पोटेंशियल निकालने को मिले तो आप क्या करोगे? अगर वाटर पोटेंशियल अगर आपको निकालने को मिले तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? एक तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन चलो पता है, लेकिन आपको क्या नहीं पता है? आपको सॉल्यूट कौन सा है वो पता ही नहीं है, तो आई आप किसको कंसीडर करोगे? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को भी तो कंसीडर करना पड़ता है ना। और आप जानते हो कि जैसे जैसे सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वाटर का पोटेंशियल कम होता जाएगा। अगर आप इस फॉर्मूले पर रख करके, जो गैस टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करना भी चाहोगे, तो ये आएगा लगभग -2.2 बार, है ना। तो ये तो मैं नहीं कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन, मतलब आपको अगर एग्जाम में आएगा तो कैलकुलेशन के लिए आपको ये वैल्यू दे रखी होगी, यहां पर वैल्यू कोई दे नहीं रखी है, और यहां पर सारे ऑप्शन गलत हैं। अगर आएगा भी तो ये माइनस में होना चाहिए। खैर आगे चलते हैं। अ स्मॉल मेसोफिटिक ट्विग विथ ग्रीन लीव्स इज डिप्ड इनटू वाटर इन अ बिग बीकर अंडर सनलाइट, इट डिमॉन्स्ट्रेट्स। क्या डिमॉन्स्ट्रेट करेगा? कोई मेसोफिटिक ट्विग है जिसके पास हरी पत्तियां हैं और उसको पानी में डिप कर दिया है किसी बीकर के अंदर रखकर, और अगर उसको सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा? सनलाइट में रखने पर क्या होने वाला है? जाहिर सी बात है, तेजी से वाटर लॉस होगा, ट्रांसपिरेशन चलना शुरू हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन चलेगा, सही बात है ना। ट्रांसपिरेशन चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, ओके, चलो। रिस्पायरेशन नहीं, वाटर बिग बीकर अंडर सनलाइट, पानी में इसको डुबा दिया है तो ट्रांसपिरेशन चलेगा ना, वाटर लॉस चलेगा तेजी से, तो इसका आंसर तो सी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन इज नॉट रिलेटेड टू ट्रांसपिरेशन। अब ये तो सस्ता सा सवाल है, कुछ ज्यादा ही सस्ता है, कि ब्लीडिंग हम बात कर रहे हैं प्लांट की और यहां पर ब्लीडिंग कहां से आ जाएगा, तो दिस इज नॉट रिलेटेड विद द ट्रांसपिरेशन। ठीक है, बाकी रेगुलेशन ऑफ प्लांट बॉडी टेम्परेचर, हाँ ट्रांसपिरेशन से संबंधित है ये। एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल सॉल्ट, ठीक बात है, इसी के अनुसार वाटर लॉस होगा या नहीं होगा वो डिसाइड होगा। कैलकुलेशन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर, हाँ ठीक है, ये भी रिलेटेड है, पर ब्लीडिंग एनिमल से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर एसेंशियल ऑफ द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इनमें से कौन से एलिमेंट फोटोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये आपको बताना है। तो बताओ कौन से ऐसे हैं एलिमेंट्स जो फोटोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फोटो सिस्टम टू को याद करिए, जहां पर फोटोलाइसिस होती है, और वहां पर देखिए कि कौन कौन से एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लोरीन होता है, और कौन होता है, कैल्शियम भी होता है, ठीक है, पर मैग्नीज तो WOEC यहीं पर होता है, और ये भी, इन दोनों का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, मतलब कैल्शियम भी है लेकिन कैल्शियम का उतना रोल नहीं है जितना मैग्नीज और क्लोरीन का है, तो इसलिए हम बी ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। ठीक है,
तो बी ऑप्शन राइट आंसर है आपका, एकदम सही जवाब है। कुछ ही दिन में आपका पेपर होने वाला है और आपको फ्लोएम अनलोडिंग पढ़नी पड़ेगी, और फ्लोएम अनलोडिंग पढ़ोगे तो आप जान जाओगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कि फूड मिनरल मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए, शब्द मैंने पहले ही बता दिया, क्या होगा आंसर? शब्द मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये तो सीधा आंसर है ना इसका, एग्जैक्टली इसका सही आंसर है सी, फ्लोएम है ना, फूड मटेरियल का जो ट्रांसफर है या अनलोडिंग है वह फ्लोएम से ही संबंधित है। जाइलम तो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है, ना केवल वाटर जबकि कई सारी आप दवाएं भी देखोगे, कई सारी हर्बिसाइड्स भी आप देखोगे जो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, रूट सेंटर करती हैं और जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं, पत्तियों तक पहुंच जाती हैं, कई सारे ऐसे हर्बिसाइड्स भी हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट मोबाइल इन प्लांट मेटाबॉलिज्म, इनमें से सबसे ज्यादा मोबाइल एलिमेंट कौन सा है प्लांट के मेटाबॉलिज्म से संबंधित ये सवाल, अब आपको बताना है कि सबसे ज्यादा मोबाइल इनमें से कौन सा है। फॉस्फोरस है, यस एग्जैक्टली है ना, सबसे ज्यादा मोबाइल एलिमेंट है इसमें फॉस्फोरस, ठीक है, द मोस्ट मोबाइल एलिमेंट इज फॉस्फोरस। कार्बन नहीं है, कार्बन सिर्फ कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कार्बन को तो पकड़ के फिक्स कर दिया जाता है, सबसे ज्यादा मोबिलिटी होती है फॉस्फोरस की, बार बार एटीपी एटीपी एडीपी एटीपी एडीपी एटीपी ऐसे लगेगा, तो इसलिए फिर इसलिए फॉस्फोरस है इसका सही जवाब। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अमोनिया टू नाइट्रेट, अब देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है आप लोगों को, अमोनिया से नाइट्रेट, नाइट्रेट से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट है ना, नाइट्रोजन से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनने को क्या कहते हैं, तो ये पूरी प्रोसेस रट के जाना, और एग्जाम में ये पक्की बात है ये पूछेंगे जरूर आपसे। इसका जरा बताओ, जब अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना क्या कहा जाता है, बताइए। ओके ठीक है, आंसर आपका ठीक है, इसका सही आंसर है बी, नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है, सही आंसर क्या है बी, नाइट्रिफिकेशन, तो नाइट्रिफिकेशन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप जानते हैं कि नाइट्रिफिकेशन क्यों इसका सही उत्तर है, कई सारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये काम करते हैं और अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, नाइट्रिफिकेशन इसका सही जवाब है। तो नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे तो यानी NO3 बना रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट नोड्यूल विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट आर मेंट फॉर फर्टिलाइजर एंड आर फाउंड ऑन, रूट नोड्यूल कह रहे हैं, इनमें से किस प्लांट की रूट नोड्यूल को फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, इनमें से किसको फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, बताइए।
क्या आंसर आया आपका? अच्छा बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है, एग्जैक्टली बिल्कुल सब आपको पता ही है। मैंने ये एलएनएस का ये डायग्राम लेकर आया हूं मैं, क्योंकि एलएनएस पता नहीं आपको पता है कि नहीं, ये यूरोपियन प्लांट है इसलिए। बाकी कैसुराइना को आप जानते होंगे, कैसुराइना ट्री खूब पढ़ा होगा आपको, और लेग्यूनस प्लांट्स तो होते ही हैं। देखो लेग्यूनस प्लांट, कैसुराइना, एलएनएस, इन सब के पास रूट नोड्यूल होती है और इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसलिए सही आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, एग्रीकल्चरिस्ट हैव रिपोर्टेड अबाउट 40-50% हायर यील्ड ऑफ राइस बाय अप्लाइंग, 40-50% यील्ड बढ़ जाती है क्या अप्लाई करने से? क्या अप्लाई करेंगे तो 40-50% यील्ड बढ़ जाएगी? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए जल्दी बताइए, आंसर देखिए और बताइए कि सही जवाब इसका क्या होगा। आप जानते हैं इसका आंसर, कोई टेरिडोफाइट है जो कॉमनली राइस की फील्ड में पाया जाता है, और इस टेरिडोफाइट के साथ एनाबिना भी रहता है जो कि साइनोबैक्टीरिया है, और ये एनाबिना एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। किसके साथ एनाबिना रहता है, इनमें से किसके साथ? सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, एजोला एक एक्वेटिक टेरिडोफाइट है, एग्जैक्टली सही बात है। तो दिस वुड बी द राइट आंसर, ठीक है, एजोला सही आंसर है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, अ न्यूट्रिएंट एलिमेंट एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज, क्या लिख रखा है कि ऐसा कोई न्यूट्रिएंट एलिमेंट जो जरूरी है माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन के लिए सेल डिवीजन के दौरान। अब देखो दो बात है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल माइटोटिक स्पिंडल अपरेटस सेल डिवीजन, इसके उत्तर में आप फॉस्फोरस भी लगाओगे ना तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्पिंडल अपरेटस का जब फॉर्मेशन होता है तो फॉस्फोराइलेशन होता है कई सारी प्रोटीन का, और जो मैच्यूरेशन प्रमोटिंग फैक्टर है जिसका नाम एमपीएफ कहा जाता है ना, एमपीएफ जिसको आप कहते हो एमपीएफ, ये है साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स जो एम फेज में काम करता है। ये एक काइनेज है जो फॉस्फेट लगाता है कई सारे टारगेट पर, उनमें से एक टारगेट ये भी है कि जब स्पिंडल अपरेटस का फॉर्मेशन होता है तब सेंट्रियोल पर कहीं कहीं फॉस्फोरिलेशन होता है, लेकिन कैल्शियम जो है कुछ प्रोटीन के एक्टिवेशन में कैल्शियम का भी रोल होता है। कैल्शियम का भी रोल होता है इसलिए कैल्शियम, और देखो इसमें आप सही तो आंसर इसका कैल्शियम है, पर अगर आपने फास्फोरस को भी लगाया तो हम लड़ सकते हैं, फास्फोरस भी ठीक आंसर माना जा सकता है क्योंकि फॉस्फोरिलेशन कई जगह पर होता है, पर फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम सही जवाब है। नॉन सिंबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, इनमें से किसको कहा जाता है? कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आपको इनमें से दिखाई दे रहा हो, ग्राम नेगेटिव तो हैं कई सारे, इसमें एक से ज्यादा वैसे ग्राम नेगेटिव हैं, लेकिन फ्री लिविंग जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो इनमें से कौन करता है जो सॉइल में रहता है? कोई एरोबिक बैक्टीरिया जिनको आप जानते हो फ्री लिविंग हो, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा एजिटोबैक्टर, इसका सही जवाब होगा एजिटोबैक्टर। एजिटोबैक्टर नॉन सिंबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर है, फ्री लिविंग है, किसी के साथ एसोसिएशन में नहीं रह सकता रहता, ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर, एग्जैक्टली। अब बताना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया जो रूट नोड्यूल लेग्यूम के रूट नोड्यूल के साथ एसोसिएटेड होते हैं उनको क्या कहा जाता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से? क्या ऑप्शन सही है इनमें से?
ऑब्वियसली राइजोबियम खूब चर्चित बैक्टीरिया, पूरी दुनिया में इसकी गूंज है, सब जानते हैं राइजोबियम को, तो राइजोबियम वुड बी द राइट आंसर. नेक्स्ट है द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट नाइट्रेट इनटू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन. ऐसा बैक्टीरिया जो नाइट्रेट को मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दे, उस बैक्टीरिया को क्या कहेंगे जो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करे, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, समझ लो वापस से नाइट्रोजन बना दे रहा है नाइट्रेट को, उसको क्या कहेंगे, मतलब जो उल्टा काम करने लग रहा है. इतनी मेहनत से नाइट्रोजन को फिक्स किया गया था, अब ये नाइट्रेट को वापस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दे रहा है, यानी N2 वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है. ये कौन कर सकता है? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. सही जवाब है आपका डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. ठीक है, तो फिर से नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दे रहा है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दे रहा है. इसके अलावा फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द क्लोरोप्लास्ट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन. जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं वो डायरेक्टली किस में इन्वॉल्व होती हैं? देखो नाम फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तुरंत सबसे पहले तो फोटोलाइसिस हो जाएगी वाटर की, और फिर फॉस्फोराइलेशन होगा. फिर आप जानते हो फॉस्फोराइलेशन होगा तो एडीपी से एटीपी बनेगा ही. ये थायलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर ये सब चल रहा होता है, इसको आप खूब अच्छी तरीके से जानते हो प्रोसेस जब फोटोसिंथेसिस की पढ़ रहे होते हो, है ना. फोटोसिस्टम 2 से एसोसिएटेड होता है वो एंजाइम जो वाटर की फोटोलाइसिस करवाता है, और फिर आगे उसी पर F1 F0 पार्टिकल प्रेजेंट हो सकते हैं जो फॉस्फोरिलेशन करवाते हैं, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कराते हैं. तो इसका भी आंसर सही वाला डी ही होगा. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से एलिमेंट एसेंशियल हैं फोटोलाइसिस के लिए? फोटोलाइसिस के लिए ये वापस से वही सवाल है, इसलिए वापस आगे चलते हैं. अब बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के दौरान, चलो ध्यान से देखते रहो इसको, इनमें कौन है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में मदद कर रहा है? बताइए. फाइटोक्रोम? नहीं, फाइटोक्रोम तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस में काम करते हैं. साइटोक्रोम, साइटोक्रोम कहीं दिखाई दे रहा है क्या? साइटोक्रोम कहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा, साइटोक्रोम इसमें लिखा है, ये रहा, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, तो साइटोक्रोम सही जवाब होगा. फोटो हार्मोन कहां से आ जाएंगे? डेस्मोसोम तो कहां से आ गए, इसमें होंगे नहीं, तो साइटोक्रोम वुड बी द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट है सबस्ट्रेट ऑफ फोटो रिस्पायरेशन. फोटो रिस्पायरेशन का सबस्ट्रेट इनमें से क्या होगा? क्या होगा सबस्ट्रेट फोटो रिस्पायरेशन का? देखो फोटो रिस्पायरेशन जब शुरू हुआ तो ये रहा फॉस्फोग्लाइकोलेट. फॉस्फोग्लाइकोलेट को परऑक्सीसोम में ले गए, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ले गए, फिर वहां से ये कन्वर्ट होकर के जब आया तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन गया. ये रही फोटो रिस्पायरेशन, है ना. ऑक्सीजन को भी गलती से फिक्स कर दिया गया था उस चक्कर में. फोटो रिस्पायरेशन में तो जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो जाता है, पूरी तरह से एफिशिएंटली कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं हो पाता, C2 साइकिल चलती है. तो ग्लाइकोलेट इसका सही जवाब होगा, यानी ए इसका आंसर होगा. नेक्स्ट देखें, इन एक्वेरिया ग्रीन प्लांट आर ग्रोन फॉर. एक्वेरिया का मतलब एक्वेरियम में ग्रीन प्लांट क्यों ग्रो कराए जाते हैं? सीधी सी बात है, ताकि वो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर सके, इस बात में कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए. ताकि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर सके और जो जलीय जीव जंतु हैं उनको ऑक्सीजन मिलती रहे, वाटर ऑक्सीजन रिच हो, इस वजह से, है ना, जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, उस डिमांड को थोड़ा कम करने के लिए थोड़ा ग्रीन प्लांट ग्रो कराए जाते हैं, ताकि ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जा सके. तो सी वुड बी द राइट आंसर.
नेक्स्ट है, अ स्ट्रक्चर नोन एज पेरोक्सिसोम इज एसोसिएटेड विथ, वो स्ट्रक्चर जो पेरोक्सिसोम के साथ एसोसिएटेड होता है, स्ट्रक्चर नहीं फंक्शन कहना चाहिए, स्ट्रक्चर क्यों कहेंगे हम, फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन जो पेरोक्सिसोम के साथ एसोसिएटेड होता है क्या है। अगर आपको याद हो कुछ पेरोक्सिसोम की क्या क्या कर सकता है, पेरोक्सिसोम की शक्तियों के बारे में अगर आपको कुछ पता हो तो आपको पता चल जाएगा, पेरोक्सिसोम अभी थोड़ी देर पहले फोटो रिस्पायरेशन से संबंधित था, फोटो रिस्पायरेशन से संबंधित था, तो फोटो रिस्पायरेशन इसका सही आंसर है। तीन तीन ऑर्गेनेल फोटो रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, तो फोटो रिस्पायरेशन सही जवाब है। नेक्स्ट है कि इन द मीजोफिल सेल ऑफ कैम प्लांट, कैम प्लांट की मीजोफिल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन दिन के समय कौन कराता है, कौन सा एंजाइम दिखाई दे रहा है। देखो दो एंजाइम है, एक है पेप कार्बोक्सिलेज, दूसरा है रुबिस्को। पेप कार्बोक्सिलेज रात में काम कर रहा है और रुबिस्को कर रहा है दिन में प्लांट, ये डे वाली बात है, ये नाइट वाली बात है। तो आप क्या जवाब देंगे इसका, रुबिस्को कार्बोक्सिलेज है ना, दिन में काम करने वाला कौन है, रुबिस्को कार्बोक्सिलेज। कैम प्लांट की यही तो खास बात है कि दिन में भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन चल रहा है, रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन चल रहा है, वाह कितनी बढ़िया बात है, एफिशिएंटली कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कर पाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है कि पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटो सिस्टम वन में साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के दौरान कौन होता है, कौन दिखाई दे रहा है, कौन दिखाई दे रहा है इसमें, जो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, फेरेडॉक्सिन, तो फेरेडॉक्सिन सही जवाब है। फोटोसिस्टम वन, ये साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन फोटोसिस्टम वन में ही इलेक्ट्रॉन बार बार घूम घूम के आता है, तो इसमें इन्वॉल्व तो कई हैं, लेकिन फेरेडॉक्सिन पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो फेरेडॉक्सिन वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन सही है। क्रेंज एनाटॉमी किनकी पत्तियों में पाया जाता है, क्रेंज एनाटॉमी कहां पाया जाता है, तो ये तो बहुत सीधी सी बात है, क्रेंज एनाटॉमी C4 प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, C4 प्लांट वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में कौन सा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस PS1 इसमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि फोटोसिस्टम 2 तो इवॉल्व बहुत बाद में हुआ, और फोटोसिस्टम 2 अगर बाद में इवॉल्व हुआ तो जेड स्कीम शुरू हो गई थी, जबकि पहले है ना PS1 ही पाया जाता था, पर इवन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में भी जो फोटोसिस्टम पाए जाते हैं वो अभी PS1 फोटोसिस्टम 1 ही पाए जाते हैं, है ना, फिर बाद में जब थैलाकॉइड स्टैग्ड हो गए, एवोल्यूशन अगर पढ़ोगे फोटोसिस्टम्स का तब समझ में आएगा कि अच्छा पहले पुराना वाला फोटोसिस्टम 1 ही था, बाद में फोटोसिस्टम 2 आया, बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस जो होती है उसमें फोटोसिस्टम 1 ही इन्वॉल्व है। रेस्पिरेटरी कोशेंट किससे कहा जाता है कि कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का कंज्यूम किया गया पर यूनिट टाइम में, और फिर कितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस किया गया, तो इसको कहा जाता है, यानी ये वाला वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2, ये है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी याद कर लीजिएगा, रट करके जाइएगा, क्वेश्चन में आ सकती है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पाइरुविक एसिड तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ही बनती है, इस बात में कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पाइरुविक एसिड बनती है।
करेक्ट सीक्वेंस क्या है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का एटीपी सिंथेसिस के दौरान, मतलब साइटोक्रोम, डिफरेंट टाइप के साइटोक्रोम से उनमें से कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, क्या सही आंसर होना चाहिए, क्या सीक्वेंस होना चाहिए। तो साइटोक्रोम बी के पास, सी के पास, फिर ए, ए वन, फिर सी, ये सही सीक्वेंस होना चाहिए। यहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होता है, तो इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद Which one of the following contain copper besides iron? Iron के अलावा copper भी इनमें से किसके पास है? तो किसके पास होना चाहिए इसमें से? आपने नाम सुन रखा होगा उस enzyme का, बड़ा important है ना, बिना copper के तो काम चलेगा नहीं। Cytochrome oxidase, iron तो है ही पर copper भी present है, तो आयरन के अलावा कॉपर भी प्रेजेंट किसमें है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में। वेयर डज फॉर्मेशन ऑफ एस्टिल कोएंजाइम फ्रॉम पाइरुविक एसिड, ग्लाइकोलाइसिस से अंत में जो बना है उसको ले जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में एस्टिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये स्टेप चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लिंकेज स्टेप। तो यहां पर जवाब होगा पहला माइटोकॉन्ड्रिया। The number of ATP molecule produced by electron transport system from the Krebs cycle intermediate in a single turn. कह रहे हैं कि एक बार में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी ATP प्रोड्यूस होती है Krebs cycle से, उसका क्या उत्तर होना चाहिए? इसका उत्तर होना चाहिए 12, है ना, 12 आंसर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखिए आंसर इसका 12 इसलिए होगा, अगर एक मॉलिक्यूल NADH2 का ऑक्सीडाइज होता है तो उससे तीन एटीपी बन जाएंगी, है ना। अगर एक NADH2 ऑक्सीडाइज होता है तो ये बनता है तीन एटीपी, ठीक है। दो मॉलिक्यूल बनेंगे FeDH2 के ऑक्सीडेशन से, दो मॉलिक्यूल बनेंगे FADH2 के ऑक्सीडेशन से, दो एटीपी बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद टोटल जो एटीपी प्रोड्यूस होती है ऑक्सीडेशन के दौरान कोएंजाइम ए के वन टर्न में, वह कितनी होती है? कितनी? देखो ये डिपेंड करता है कि कितने ये बनते हैं। ये बनेगा 3×3 21, अच्छा एक FADH2 बनता है और 3 मतलब ऑक्सीडेशन जब होगा तो 3 NADH2 और 1 FADH2, मतलब कितना हो गया? 9 ATP यहां से बना और 2 ATP यहां से बना, 9 2 11, ये तो 11 ही हुए। ओके, तो इसका मतलब 11 होने चाहिए फिर, तो फिर तो 11 हो जाएंगे, ठीक है, फिर तो 11 हो जाएंगे। इसका सही आंसर फिर 11 ही होगा। फिर एक टर्न में, ठीक है, 11 होंगे। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम नॉट यूज्ड इन क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल का डायग्राम है, आप कहीं इसमें एल्डोलेज नहीं ढूंढ पाओगे, एल्डोलेज नहीं पाया जाता। बाकी एकोटिनेज आपको मिल जाएगा, ये रहा एकोटिनेज, सिस एकोटिनेट को ये आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट कर रहा है एकोटिनेज। आपको डी कार्बोक्सिलेज भी मिल जाएगा, डी कार्बोक्सिलेज आपको खूब सारा मिल जाएगा, है ना, इसलिए डी कार्बोक्सिलेज की बात भी नहीं है। आपको बाकी सारे एंजाइम मिल जाएंगे, आपको फ्यूमरेज भी मिल जाएगा, आपको सक्सनेट भी मिल जाएगा, आपको मैलेट डीहाइड्रोजनेज भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, एल्डोलेज नहीं मिलेगा आपको। एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन CH C2H5OH यानी एल्कोहल, इथेनॉल,
फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है? इथेनॉल है। प्लांट हार्मोन क्या है? प्लांट रेगुलेटर है, ग्रोथ प्रमोटर है, ग्रोथ इनहिबिटर है, क्या कहे जाते हैं? आपको तो पता ही है कि बेचारे ग्रोथ रेगुलेटर कहे जाते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर है ना, ग्रोथ कम ज्यादा ये सब रेगुलेट कर पाते हैं प्लांट हार्मोन्स। तो ए इसका सही आंसर होगा। सबसे कॉमन ऑक्सिन क्या पाई जाती है? एंडोल एसिटिक एसिड, IAA सबसे कॉमन टाइप की ऑक्सिन है। जिब्रेलिन इनमें से किस में डिवीजन और इलोंगेशन प्रमोट करती है? सभी में, लीव्स में भी, रूट में भी, शूट में भी, सब जगह जिब्रेलिक एसिड काम करती है। तो ऑल ऑफ दीज वुड बी द राइट आंसर। इसके अलावा डिटोरिएटिव प्रोसेस इन प्लांट दैट नेचुरली टर्मिनेट देयर फंक्शनल लाइफ, जो फंक्शनल लाइफ को टर्मिनेट कर देता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? देखिए प्लांट में जो ये डिटोरिएशन कहा जा रहा है, प्लांट सेल की डेथ हो जाती है वहां पर, ये सेनिसेंस कहा जाता है। ठीक है, तो सेनिसेंस इज द राइट आंसर। इनमें से फ्रूट की राइपनिंग के लिए कौन सा हार्मोन इस्तेमाल होता है? असल में इथाइलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं फ्रूट राइपनिंग के लिए, इथाइलीन हार्मोन आप कह सकते हो कि उसका इस्तेमाल होता है फ्रूट राइपनिंग के लिए, वो तेजी से एक्सेलरेट कर देता है राइपनिंग को। फिर है कम टेम्परेचर पर थोड़े समय के लिए रख करके फ्लावरिंग को प्रमोट करना या फ्लावरिंग को इंड्यूस करना, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को कहा जाता है वर्नलाइजेशन, इस प्रक्रिया को कहा जाता है वर्नलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद हार्मोन प्रोड्यूस ड्यूरिंग लीफ फॉल, जब पत्तियां गिरती हैं उस दौरान कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होता है? एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो एब्सिसिक एसिड इज द राइट आंसर, तो बी सही उत्तर होगा इसका। फिर क्लाइमेट्रिक फ्रूट इनमें से कौन से हैं? किस प्रकार के फ्रूट को क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहा जाता है? देखिए जो फ्रूट्स पकने के बाद बड़ी तेजी से, मतलब पकते समय बड़ा तेजी से रिस्पायरेशन करते हैं और वो थोड़े समय में जल्दी खराब भी हो जाएंगे, उन फ्रूट्स को कहा जाएगा, जो रिस्पायरेशन रेट उनकी बहुत फास्ट होती है ना, तो हाई रिस्पायरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग जिसमें भी हो उनको कहा जाएगा क्लाइमेट्रिक फ्रूट। तो आप देख सकते हो डायग्राम में क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन कौन से हैं, इनको थोड़े समय के लिए रख दो तो ये खराब हो जाते हैं और ये थोड़ा देर तक चल सकते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक, तो ए इसका सही आंसर होगा। फाइटोक्रोम इनमें से किसमें प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोट्स में कहां से आ जाएगा? ये तो मॉर्फोजेनेसिस करवाता है, ब्रेन नहीं, किडनी नहीं भाई, वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स में प्रेजेंट होता है फाइटोक्रोम। तो ये थे क्वेश्चंस और ये बड़े आसान से क्वेश्चंस थे, इनके आंसर सब कोई दे सकते हो। जो बीच बीच में जो कुछ डिवाइसेस बताई हैं और गटेशन प्रोसेस क्या होती है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, इन सबको अच्छे से थोड़ा सा देख करके चलना, और गार्ड सेल क्या होता है, स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग के दौरान क्या हो रहा होता है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन, नॉट ओनली प्रोटॉन कंसंट्रेशन बट पोटेशियम की कंसंट्रेशन को भी आपको ध्यान में रखना है कि पोटेशियम स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग के दौरान कब ज्यादा कब कम हो रहा है ना, पोटेशियम भी क्या रोल प्ले करता है, उसको भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो ये था आज का डिस्कशन। आज आपने जो भी ठीक है चलिए, इसके अलावा क्वेश्चन हाँ कुछ इसी टाइप के आएंगे,
क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, क्वेश्चन आएंगे तो छोटे छोटे ही आएंगे, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, छोटे छोटे से ही क्वेश्चन आएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चंस का जो होगा वो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपसे पूछ लेंगे, फोटोसिंथेसिस, साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, इन सबको आप अच्छे से देखिए, है ना। और साथ में फोटोसिंथेसिस जेड स्कीम, है ना, फोटो सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, परऑक्सीसोम का क्या फंक्शन होता है, फोटो रिस्पायरेशन क्या है, कैम प्लांट्स क्या है। चलो मैं कुछ बातें लिखता हूं, देखिए उससे सवाल आते हैं कि नहीं। आपके पास सवाल आएगा कैम प्लांट से, पक्का आएगा कैम प्लांट से सवाल आएगा, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन से सवाल आना ही आना है, तय है, नाइट्रोजन फिक्सेशन से आएगा, कैम प्लांट से सवाल आएगा। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस का भी सवाल आएगा ही, और फोटो मॉर्फोजेनेसिस से भी आएगा। प्लांट हार्मोन से भी छोटे छोटे सवाल आएंगे, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आप थोड़ा जल्दी से रिवाइज कर लेना, ज्यादा ज्यादा रिवाइज कर लेना, यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस काम काम की बातें इसमें याद रखनी है। सो थैंक यू सो मच। अच्छा, कैम प्लांट्स के अलावा सी टू प्लांट्स को भी देख लेना, सी थ्री सी टू जो होते हैं ना, इनको भी देख लेना। सी थ्री सी टू में बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं आती हैं, छोटी छोटी चीजें ही आती हैं। फोटो रेस्पायरेशन थोड़ा देख लोगे तो अपने आप पता चल जाएगा सी टू के बारे में, साइकिल क्या होती है। तो आपको आराम से बस टेस्ट देना है, इसके क्वेश्चंस जो हैं बड़ी पेशेंस के साथ उसको आप करिएगा, क्योंकि छोटे सवाल होते हैं तो जल्दबाजी में आप सवाल नहीं करेंगे, तब आपका पेपर बढ़िया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं आपसे कल, और कल देखते हैं कल आपका क्या शेड्यूल है लेक्चर, और कल नहीं परसों होने वाला है शायद, कल तो कल संडे है, ओके, तो आपको परसों लेक्चर शेड्यूल होगा, देखते हैं क्या है। तो एग्जाम से पहले हम आ जाएंगे, आपको थोड़ा मोटिवेट कर देंगे, है ना, ताकि आपका मनोबल बढ़ा रहे और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।